ओके या नाउ इट्स ओके. तो रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है. लेट स्टार्ट विद द पोर्शन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है बच्चे, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 1 ही है. तो ठीक है, जो भी बच्चा अभी आया है तो उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. दिस इज लेक्चर नंबर 1 फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था बच्चे, इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो होता है वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम. अब ये वर्ड आयोनिक का क्या मतलब है यहाँ पे? आयोनिक में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, दैट वी गोना डिस्कस इन दिस लेक्चर. ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में, जैसे इक्विलिब्रियम में सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी थी, इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इसमें भी सबसे पहले क्या आएगा बच्चे की, व्हाट आर आयनिक इक्विलिब्रियम. फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस की, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चंस, देन वी विल टॉक अबाउट पीएच, पीएच स्केल और उसके कुछ क्वेश्चंस. ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले मुझे एक बात याद आई है, मुझे वो पूछनी है. कल टेस्ट किस किसने दिया था, जस्ट रेज योर हैंड्स फटाफट से. किस किस बच्चे ने कल का टेस्ट दिया था? ओनली थ्री, थ्री स्टूडेंट्स ने ही दिया था. फोर फाइव, ओनली फाइव स्टूडेंट्स, क्या बात, बाकी के बच्चों ने टेस्ट क्यों नहीं दिया? यस, कितने सारे स्टूडेंट है क्लास में, सिर्फ पांच बच्चों ने हैंड रेस किया है. गणेश, गुंजन, कार्तिक, खुशी, लक्ष्मी, मयंक, सलोनी, संस्कार, सतेंद्र, परवीन, आपने भी टेस्ट नहीं दिया, वेरी बैड बेटा. यस, टेस्ट क्यों नहीं दिया? मैंने कितनी बार कहा है कि टेस्ट तुम्हारे लिए बच्चे वो नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, ये कंपलसरी चीज है, तो टेस्ट क्यों नहीं देते? दिस इज रियली बैड बेटा. 1 घंटे का टाइम तो निकाल ही सकते थे बच्चे. अच्छा सत्येंद्र ने करा है, ठीक है बेटा, 1 घंटे का टाइम निकाल लिया करो, आगे से सबने ध्यान रखना है. ठीक है, सिर्फ हाँ देखो गेस्ट आ गए थे बेटा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है. ये पेपर में भी अगर गेस्ट आएंगे तो क्या हम पेपर छोड़ देंगे? ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना है, किसी भी बच्चे ने टेस्ट मिस नहीं करना. और जिन्होंने दिया उनको कैसा लगा केमिस्ट्री का पोर्शन, कैसे लगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, इजी थे? नो प्रॉब्लम, बट बेटा आगे से ध्यान रखें सब. ठीक है, हाँ परवीन, बच्चे आगे से नहीं होना चाहिए. ठीक है, ओके ओके सलोनी, दैट्स ग्रेट. ठीक है चलो, आगे से इस चीज का ध्यान रखें बच्चे, जो भी टेस्ट होता है उसको जरूर दिया करो. और हाँ एक और टास्क है, जब भी टेस्ट देने के बाद उसका स्क्रीनशॉट विद नंबर्स मेरे को भेजना है सबने. ठीक है, मेरे को देखना है कि कौन बच्चा कितने नंबर ले रहा है. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग विच यू ऑल हैव टू डू. चलो नाउ लेट स्टार्ट विद द आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर. तो बच्चे आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन ही करेंगे. सबसे पहला क्या है हमारे पास, आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? आयोनिक, आयन का मतलब क्या होता है, आयोनिक यानी कोई आयोनिक सब्सटेंस. आयोनिक सब्सटेंस कौन सा होगा, जो आयंस में ब्रेक कर सके, जिसको हम आयंस में तोड़ सके. और आयंस हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, हमारे पास दो तरह के आयन होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन. कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, एनायन जो क्या कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज. तो आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चे, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना किसके बीच में, किसी आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड स्पीशीज के बीच में. ठीक है ना, आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज्ड, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम इजिली आयोनाइज कर सकते हैं और एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम आयोनाइज नहीं कर सकते. जब उन दोनों के बीच में बेटा इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम. तो क्या रहेगा आयोनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट, आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड सब्सटेंस. जब आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम. जैसे कि कोई
ए भी एक्वस में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में. तो इस तरह के द इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश होगा आयोनिक और नॉन आयोनिक के बीच में, उसको बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम. तो अगर बेटा हम आयोनिक इक्विलिब्रियम को इलेक्ट्रोलाइट में देखते हैं, ठीक है ना, वी सी आयोनिक इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोलाइट्स. अब ये वर्ड आया इलेक्ट्रोलाइट, कोई मुझे बता सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा कि हम आयनिक इक्विलिब्रियम को इलेक्ट्रोलाइट्स में देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो कौन बताएगा? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? यस, इलेक्ट्रोलाइट ही क्या होता है ये, आपने शायद फिजिक्स में भी पढ़ा होगा बच्चे. एक भी बच्चा नहीं बता सकता, कोई भी ऐसा सब्सटेंस बच्चे जो कैरी करे चार्ज, सॉल्यूशन फ्रॉम विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास. बिल्कुल सही, जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके या जिनके पास कोई ऑलरेडी चार्ज हो. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट है. तो आयनिक इक्विलिब्रियम हमेशा इलेक्ट्रोलाइट में देखने को मिलता है. इलेक्ट्रोलाइट अब हमारे पास टू टाइप के हो सकते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इक्विलिब्रियम जो किसके बीच में बनता है, किसी आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड स्पीशीज के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम. अब इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस आई गया, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बच्चे, एनी सब्सटेंस दैट फर्निशेज आयन, फर्निशेज मीन्स That gives ions, जो हमें आयन्स दे कब, aqueous solution में. मान लो हम बोलते हैं कि salt water में dissolve हो जाता है, ये बहुत common सा language है ना कि NaCl dissolves in water. But why? Salt पानी में क्यों घुल जाता है? Because जब भी हम इसको water में डालते हैं it dissociate into ions, ये ions में टूट जाता है. तो that's why इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी substance, any substance that gives ion in their aqueous solution, और जो ion देता है वो फिर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बोल लें, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, कोई मुझे बता सकता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? बच्चे नॉन आयनिक वो होगा जो आयन्स में नहीं टूट सकता, ठीक है ना. यस, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्जेस, बिल्कुल सही, ठीक है ना, फ्लो ऑफ आयन्स, आयन्स का फ्लो करना. इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास क्या होती है, फ्लो ऑफ आयन्स. तो बेटा अगर आयन में कोई चीज टूटेगी तभी तो वो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो हमें आयन्स प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में और क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. और उनकी टेंडेंसी होती है आयन्स प्रोड्यूस करने की वॉटर में. हाँ, ये नहीं है कि पूरा ही कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, पार्शली डिसोसिएट भी वो हो सकता है, डिसोसिएशन 100% भी हो सकती है और नहीं भी, ठीक है ना. ये नहीं है कि NaCl था तो पूरा प्रॉपर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में 100% टूट जाएगा, हो सकता है सिर्फ 95% टूटे या 80% ही टूटे. तो डिसोसिएशन 100% हो भी सकती है और नहीं भी. नेक्स्ट, देयर सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियस है, अगर वो आयन्स है बेटा तो वो कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल इसका, चाहे आप एसिड ले लो, बेस ले लो, सॉल्ट ले लो, ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल आर कंसीडर टू बी इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है. एक बच्चे ने अभी अभी यहाँ पे पूछा कि मैम नॉन आयोनिक सब्सटेंस कौन से होंगे, तो कोई भी मुझे एक एग्जाम्पल से बता सकता है कोई भी एक नॉन आयोनिक सब्सटेंस? एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी अबाउट द नॉन आयोनिक सब्सटेंस? मधु ने अभी अभी पूछा हमसे, मैम नॉन आयोनिक क्या होगा? कोई एक एग्जाम्पल, बिल्कुल सही मधु, वेरी गुड. कार्बन के किसी भी, उसका CH4 का ही एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना. मिथेन का एग्जाम्पल ले लूं तो ये नॉन आयोनिक इन नेचर है क्योंकि ये आयन्स में डिसोसिएट नहीं हो सकता, ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस पढ़ते हैं. अब हम नॉन इलेक्ट्रोलिटिक में क्या आ जाएंगे, दे डू नॉट प्रोड्यूस आयन्स इन वाटर, वाटर में आयन प्रोड्यूस नहीं करते और इनके सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते. अब शुगर का सॉल्यूशन कोई आयन्स नहीं डिसोसिएट करता, ठीक है, ग्लूकोज नहीं आयन करता और यूरिया भी नहीं,
अगर ये आयंस नहीं डिसोसिएट करते तो ये कंडक्ट भी नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी, नॉट पॉसिबल. कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनको हम फिर क्या बोलते हैं कि दीज ऑल आर इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं दे ऑल आर कंडक्टर्स, और जो कंडक्ट नहीं कर पाते उसको हम किस कैटेगरी में लगते हैं, इंसुलेटर. ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? यस, फटाफट से हैंड रेस कर दो फटाफट, जिस जिसको क्लियर है. वेरी गुड, गिव मी हाई फाइव. वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय, गुड स्टूडेंट्स. बॉय और गर्ल नहीं कर सकते ना, दैट्स लाइक अ गुड स्टूडेंट्स. ओके, दैट्स ग्रेट. नाउ कम टू अनदर थिंग बच्चे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. मतलब कि जैसे मैंने यहां पे बोला कि जरूरी नहीं है कि 100% डिसोसिएट हो जाए, तो कितना डिसोसिएट हुआ है, ठीक है ना. व्हाट इज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो कितना डिसोसिएट हो सकता है, वो चीज अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हो, उसको हम अल्फा से, किससे, इस वर्ड अल्फा बोलते हैं इसको, अल्फा से डिनोट करते हैं. और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स जो डिसोसिएट हुए हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. अपॉन क्या करते हैं हम, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं, यानी जितने आपके डिसोसिएट हो गए और जितने आप लेके चले थे, दैट वुड बी गिवन एज अल्फा वैल्यू. वो होती है उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. अगर मैं बोलूं कि मैं घर से 1,000 रुपए लेके चली थी और मेरे 800 रुपए खर्च हो गए, सो दिस इज माई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी कि 8/10 मीन्स मेरे 0.8. अगर परसेंटेज निकालनी हो मुझे तो इंटू 100 कर दूंगी मैं क्या कहूंगी, मेरे 80% पैसे खर्च हो गए. लेके मैं 1,000 चली थी, खर्चे मैंने 800, तो कितनी परसेंटेज डिसोसिएशन हुई, डैट वुड बी 80%. ठीक है, सो दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि हमारा कितना जो है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो उसको हम कैसे लेते हैं, कि कितने डिसोसिएट हो गए और कितने आप लेके चले थे, डिवाइडेड बाय, ठीक है, इनिशियल मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब बच्चे जैसे हमने बात ही करी कि क्लासिफिकेशन करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट्स की, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़े थे, एक होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होंगे वीक. ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चे कौन से होते हैं, जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, ऑलमोस्ट 1 हो. वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ग्रेटर देन 1 होता है, वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका लेस होगा. ठीक है ना, वन वन से ग्रेटर, सॉरी ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 1 होगा. ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनका नियरली इक्वल टू 1 हो, लेस देन 1 होगा ना, ये जिसकी तरफ उल्टा मुंह होता है तो वो उसको लेस देन बोलते हैं, दिस इज जनरली लेस देन 1. ठीक है, उससे लेस देन 1 होगा, ग्रेटर नहीं होगा, ये चीज. ठीक है, स्ट्रॉन्गर में डैट वुड बी इक्वल टू 1 और वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो लेस देन 1. अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, क्या लिखते हैं हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एन इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो. ठीक है ना, दैट हैव नो टेंडेंसी टू कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वा सोल्यूशन, मीन्स वो टूटेगा तो सही. अब जैसे HCl की बात करते हैं ना बच्चे, HCl प्रॉपरली टूट जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. ठीक है, 100% डिकम्पोजिशन हो जाती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते. ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसके होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बने होते हैं. ठीक है, सो इट इंक्लूड्स वीक एसिड एंड वीक बेस. एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, NH4OH, तो ये भी पार्शली डिसोसिएट होता है NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में. ठीक है, पार्शली इन देयर एक्वस सोल्यूशन. वीक एसिड हमारे पास कौन से होते हैं, एसिटिक एसिड हो गया और दिस इज ऑक्सैलिक एसिड. वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पिरीडीन. ऑल स्प्रेंगली सोल्यूबल, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड आ गया और बेरियम सल्फेट. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल. हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है, कोई भी वीक एसिड ले लो और साथ में वीक बेस, ये इसका भी हम कह सकते हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. वीक एसिड हो सकता है, वीक बेस हो सकता है, और कोई भी वीक स्प्रैंगली सोल्यूबल सॉल्ट हो सकता है. जैसे कि ये बेरियम 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूटता है, बट इट इज नॉट 100% डिसोसिएशन,
यहाँ पे 100% की डिसोसिएशन नहीं होती, डिसोसिएशन उसकी थोड़ी कम रहती है. सो इज इट क्लियर अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट? यस, किसी को भी कोई प्रॉब्लम वीक इलेक्ट्रोलाइट में? कंपैरेटिवली केमिकल से इजी है ना आयनिक वाला, क्या कहते हो? अगर हम आयनिक इक्विलिब्रियम और इसको कंपेयर करें, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक को कंपेयर करें तो कौन सा इजी लग रहा है? वो इजी लगा था या ये वाला इजी है पोर्शन? बताओ कौन सा पोर्शन इजी है? दिस वन. हाँ, ये थोड़ी थोड़ी टर्म्स ऐसी है जो हमने पहले पढ़ी हुई है. अभी जब पीएच और एसिड वाला पढ़ोगे ना, फिर तो कहोगे अरे मैम ये तो बहुत ही बच्चों वाली बातें थी, है ना? फिर लगेगा कि ये तो सबसे इजी चैप्टर है. चलो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के बाद बच्चे बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की. ठीक है, आफ्टर वीक इलेक्ट्रोलाइट कम टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए. वीक इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली नहीं हो रहा था, बट दिस वुड गेट कम्प्लीटली आयोनाइज. सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशन है दैट कम्प्लीटली आयोनाइजेस और डिसोसिएट्स इन अ सोल्यूशन. जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए और डिसोसिएट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. दीज आयन्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सोल्यूशन. ये जो आयन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. वीक इलेक्ट्रोलाइट भी आप ये नहीं कह सकते कि ये कंडक्टर नहीं होते, बट दीज आर, आप इसको क्या कह सकते हो, नॉट वेरी गुड कंडक्टर. कंडक्टर की कैटेगरी में हम इनको रख सकते हैं, इंसुलेटर नहीं होंगे क्योंकि आयन्स तो ये भी दे रहे हैं, आयन्स दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कंडक्टर होंगे, बट दीज आर वेरी गुड कंडक्टर. ठीक है ना, ये गुड कंडक्टर आ जाते हैं. और उसके पास बचे वीक एसिड, वीक बेस और स्प्रैंगली सोल्यूबल सॉल्ट थे. इसके पास कौन कौन से हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस आ सकता है और वाटर सोल्यूबल सॉल्ट. स्ट्रॉन्ग एसिड हमें पता ही HCl है, एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव में टूटता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है. NaOH कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में. ठीक है, सोल्यूबल सॉल्ट NaCl से अच्छा कोई है ही नहीं एग्जाम्पल Na पॉजिटिव और Cl में, वो कन्वर्ट भी हो जाता है. और सॉल्ट वाटर जो है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है. ठीक है ना, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. तो ये एग्जाम्पल्स आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यूज कर सकते हो. क्लियर हुआ सबको इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. एक बार ये हैंड रेस कर दो जिस जिसको क्लियर है. यस, कम ऑन. हाँ, पूरा 9th-10th का आ गया. बिल्कुल सही खुशबू. ये 9th-10th में फिजिक्स के पोर्शन में था, है ना? अब केमिस्ट्री में आ गया. चलो बढ़िया. अब देखो बच्चे, इक्विलिब्रियम जब हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम पढ़ रहे थे, अल्फा की वैल्यू जब हमने पढ़ी थी, यहाँ पे हमने ये चीज करी थी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा जो है वो नियरली इक्वल टू 1 होगा और वीक में लेस देन 1 होगा. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अल्फा की फॉर्म में, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की फॉर्म में इसको कैसे देखेंगे. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पार्शियल आयनाइजेशन देते हैं जिसकी वजह से उनकी अल्फा वैल्यू लेस देन 1 होती है. ठीक है ना, दैट्स देयर वैल्यू वुड बी वेरी मच लेस देन 1. और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब प्रॉपरली उसको आयनाइज कर रहे हैं. आयोनाइजेशन तो यही है ना कि कितना आयोनाइज हुआ. तो वो कह रहा है कि प्रॉपरली आयोनाइज हो गया, मतलब 10/10 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 1. अब यहाँ पे उसने क्या बोला कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम थी, मान लो सिर्फ 40% हुआ 100 में से, तो 4/10 0.4 तो ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इन दिस वे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या रहेगी? अल्फा की लेस देन 1. That would be considered as weak electrolyte. और strong electrolyte हमारे क्या होंगे जिसमें अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट इज अ कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस आयन्स व्हेन डिसॉल्वड इन अ सॉल्यूशन सच एज वाटर. तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारे पास? वो कंपाउंड है जो हमें क्या देता है? आयन्स प्रोड्यूस करता है. डैट प्रोड्यूस आयन्स व्हेन डिसॉल्वड इन सॉल्यूशन. और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? जो हमें लार्ज नंबर ऑफ आयन्स देगा. ठीक है ना, इन विच अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द डिसॉल्वड सॉल्यूट एग्जिस्ट एज आयन. और जिसमें थोड़े से ही आयन्स मिलेंगे हम, वो क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो आप आयन्स की फॉर्म में भी बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आयन्स देते हैं, ये बेचारे हमें कम अमाउंट में वीक आयन्स देते हैं. ठीक है ना, लेसर अमाउंट में आयन्स देते हैं. सो दैट वुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, हाँ, नेक्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है, एक बार दोबारा देख लेते हैं.
कि वो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड इनटू आयंस एट इक्विलिब्रियम आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो गए जितने आपने लिए थे, और अगर ये लेस देन वन होता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब 0.05 तक, अगर ये इक्वल टू वन हो जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और डिसोसिएट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, अगर आप इनफाइनाइट डिल्यूशन पे लेके जाते हो बच्चे तो वो क्या हो जाता है यूनिटी, दैट वुड बी इक्वल टू यूनिटी, वो हमारे पास क्या होगा यूनिटी आएगी उसकी वैल्यू। क्लियर है? यस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये तो यहां तक हमें, किसी को कोई प्रॉब्लम हो अब वो बच्चा हैंड रेस करेगा, ठीक है, जिसको क्लियर है वो तो ठीक है उसका समझा हमने, अब किसी को कोई डाउट है तो ही और शी कैन रेस हिज और हर हैंड। नहीं करा किसी ने भी, चलो दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ये बताओ स्कूल में क्या चल रहा है फिर आजकल, अब तो तुम्हारे स्कूल शुरू हो गए ना, तुम लोग जा रहे हो स्कूल्स में, तो स्कूल में करवा क्या रहे हैं, तुम्हें तो छुट्टियां भी कैंसिल कर दी ना, किस लिए? ऑर्गेनिक के लिए, अरे अरे ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जीओसी कर ली? जीओसी होगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बताओ नोमेनक्लेचर, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, सब समझ लिया? ग्रेट, वेरी गुड, चलो गुड। कैसी लग रही है, सबसे बढ़िया कौन सी बुक लगी? तीन पार्ट्स है ना हमारे पास, ये जो हम कर रहे हैं ये है फिजिकल, इनऑर्गेनिक जो करी जिसमें आएगा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाला, ठीक है, और ऑर्गेनिक जो आप कर रहे हो, किसको कौन कौन सी बुक सबसे बढ़िया लगी? यस, फटाफट से बताओ, फिजिकल, फिजिकल अच्छी लगी, ठीक है, फर्स्ट फिजिकल, अरे वेरी गुड, फर्स्ट वाला, ठीक है, वेरी गुड, अभी तक इक्विलिब्रियम में चल रहा है खुशबू के स्कूल में, ओके ठीक है, चलो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादातर बच्चों को अच्छी लगी। चल अब कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा एक्वस सॉल्यूशन जो है वो बेस्ट कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, मींस विच वन विल डिसोसिएट कंप्लीटली, बेस्ट कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक करंट का वही होगा ना जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, तो इनमें से कौन सा कंप्लीटली डिसोसिएट होगा और हमें वैल्यू देगा? यस, पोल रेज करती हूँ मैं, इसका आंसर पोल में करो एक बारी सारे, वैसे तो यहाँ पे कर ही दिया है, चलो पोल में अपनी एज अ अटेंडेंस दिखा दो कि कितने बच्चे हम एक्टिव होते हैं और कितने हम सो जाते हैं चलती क्लास में ही, चलो गो फॉर इट फटाफट से, विद इन 5 सेकेंड यू ऑल हैव टू आंसर, वेरी गुड, 4 वोट्स, वेरी गुड, सलोनी वोट इन द पोल इटसेल्फ बेटा, ओके ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स रियली नाइस, 12 वोट्स एंड ऑल वोट्स फॉर द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो ए को हमारी को 12 वोट्स मिली हैं, बी को बेचारे को 0, सी को 0, डी को भी 0, तो बिल्कुल सही है बच्चे, जो 12 वोट के साथ हमारा जो विनर आप लोगों ने चूज किया है आम आदमी पार्टी का, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, प्रॉपर है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चे टोटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, अमोनिया बेस है और बेस भी वीक बेस है, फ्रक्टोज हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्म है जो कि वाटर में आयंस नहीं देती, एसिटिक एसिड हमारे पास एक तरह का वीक एसिड है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा HCl ही था, so that's why HCl is the correct answer.
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे भी रखा है ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक बेस, वीक एसिड एंड ऑल अमीन बेसिस आर वीक बेस, HCl कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, अमोनिया मैंने ऑलरेडी बताया क्या है, ये वीक बेस है, वीक बेस है तो गुड कंडक्टर नहीं होगा, और ये तो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही है, सीधा सीधा नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और ये हमारा एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ गुड कंडक्टर। गुड, नाउ अब हमें बताना है कि इसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आप लोगों को आंसर करना है। चलो इसमें एक हिंट मैं दे देती हूँ कि हम इसमें पोल नहीं रेस कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके मल्टी आंसर करेक्ट होंगे। ठीक है, इसके मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ये आपको हिंट दे दिया कि एक से ज्यादा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होंगे। अब एक बच्चा जो मेरे को सारे ऑप्शन एक साथ बता देगा कि मैम ये तीनों, चलो ये भी हिंट दे दिया मैंने कि तीन ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये तो मेरे मुंह से ही निकल गया है ना। जैसे क्या कह रहे हो सत्येंद्र? ये तो मेरे, नो मैम, गलती से माइक ऑन हो ओके ओके बेटा कोई बात नहीं। फ्यूज्ड बच्चे वो होता है जिसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। फ्यूज्ड इज जनरली विच कंटेन्स नो वाटर मॉलिक्यूल, मींस कंप्लीटली ड्राई होगा वो। क्या होगा हमारा? कंप्लीटली ड्राई। तो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? ए सी एंड डी। ए सी एंड डी को सारे कर रहे हैं, मींस एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड है इसलिए ये नहीं होगा। NaCl और NaOH दोनों ही हमारे स्ट्रॉन्ग बेस, ये सॉल्ट है जो कि प्रॉपरली इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2SO4 भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उसके अकॉर्डिंग सबका आंसर रहा ए सी एंड डी। ठीक है, तो देखते हैं सबका करेक्ट भी है, ए सी और डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे वीक एसिड होते हैं, एमीन्स वीक बेस होते हैं, फ्यूज्ड NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड आ जाएगा ना। ठीक है, वो वीक एसिड है तो वो इनकरेक्ट चॉइस हो जाएगी, बाकी दोनों हमारे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग था, एक्वस NaOH भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस था, करेक्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? चले आगे, हैंड रेस कर दो एक बारी, जो जो बच्चा भी सोचता है कि चलते हैं आगे। दैट्स ग्रेट। चलो अब हम एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एसिड और बेस आपने पढ़ा होगा। अच्छा, क्या होता है एसिड, क्या होता है और बेस क्या होता है? पहले तो सिंपल देखते हैं किस किस को याद है। 9th में आता है ये, 9th में भी क्या, 10th में भी है एसिड बेस के बारे में कि व्हाट आर एसिड और व्हाट आर बेस, एसिड कौन से होते हैं और बेस कौन से होते हैं, कौन बताएगा मुझे? यस, हुज गोना टेल मी? फटाफट, एसिड बेस तो पढ़ा होगा भाई, ये तो 9th 10th के बच्चों को भी आता होता है। विच एसिड प्रोड्यूस एच पॉजिटिव, वो ठीक है, एसिड विच मेक्स एच पॉजिटिव आयन इन वाटर। ठीक है, और बेस जो आयनिक सोल्यूशन में हमें क्या देते हैं, HCl जैसे एसिड है ना, तो वो हमें हाँ OH देते हैं, एच पॉजिटिव आयन देते हैं। बेस हमारे पास NaOH है तो ये हमें OH नेगेटिव आयन देता है। एक तो ये पढ़ी थी, फिर हमने इनके टेस्ट के बारे में भी पढ़ा था, एसिड्स और टेस्ट के होते हैं, इनका pH <7 होता है। ठीक है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ब्लू को रेड में करते हैं या रेड को ब्लू में, ये बताओ मुझे एक बारी। यस, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड और रेड लिटमस ब्लू। मैम ब्लू लिटमस ब्लू
ब्लू को रेड में करती हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज। और बेस में हमने क्या पढ़ा था कि इसका टेस्ट जो है वो बिटर होता है, ठीक है, कड़वे होते हैं ये, और इसका पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होता है। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड के एग्जाम्पल हम डेली लाइफ के क्या पढ़ते थे, सिट्रिक एसिड हो गया, जितने भी ये फ्रूट्स होते हैं वो सारे के सारे सोर टेस्ट के होते हैं, सो दे कंटेन एसिड। बेस का सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम पढ़ते थे सोप, ठीक है, सोप कड़वा होता है। कभी किसी ने टेस्ट किया? यस, हैव एवर एनीबडी टेस्ट द सोप? कभी नहाते नहाते मुंह में चला गया हो? यस, ये सब खा खू के बैठे हो, सोप? क्या बात है भाई, सोप खा गए थे तुम? बड़ी गलत बात है ये, क्यों खाया था? मजे से खाया था या गलती से गया था? आंख में तो लगता है भाई, आंख में चला जाए तो बड़ी जलन होती है, गलती से। ठीक है चलो, हाँ गलती से ही खा सकते हैं, अब कोई ब्रेड पे लगा के तो खाएगा नहीं, है ना? ये तो बट ऑब्वियस है। चलो अब हम बच्चे यही एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को थ्री थ्योरीज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। वेरी फर्स्ट वन इज आर अरहेनियस कॉन्सेप्ट, फिर आता है हमारा ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट, देन ल्यूस कॉन्सेप्ट। ये तीन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एसिड और बेसिस की डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं कि अरहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड लाउरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होता है, और ल्यूस ने एसिड और बेस की क्या डेफिनेशन दी थी। इन तीनों ने अलग अलग डेफिनेशन दी थी। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द अरहेनियस कॉन्सेप्ट। अरहेनियस कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन वही है जो सबसे पहले आप लोगों ने हमें बोली कि वो सब्सटेंस जो भी बेटा जिसको हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में वो क्या रिलीज करे, एच पॉजिटिव आयन, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स, दैट आर कंसीडर्ड एज एसिड्स। और बेस कौन से होते हैं, द सब्सटेंस जिसको जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में और वो हमें क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस। जैसे कि HCl, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देता है, और NaOH की बात करें तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन ये हमें देते हैं। सो दिस इज क्लियरली कॉल्ड अरहेनियस कॉन्सेप्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, ये अरहेनियस कॉन्सेप्ट है। अरहेनियस एसिड भी वही आ गया जो सब्सटेंस डिसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन आयंस में। ठीक है, HCl का एग्जाम्पल ले लो, इन्होंने कॉमन एग्जाम्पल लिया कि H ऑफ A जो है वो हमें H पॉजिटिव और A नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, सो ये भी जरूरी नहीं है, ये अरहेनियस ने कहा था, बट अभी मैंने बोला ना कि हम जो एसिड्स की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं बेटा वो तीन तरीके से पढ़ेंगे। ब्रॉन्स्टेड लाउरी का भी एक कॉन्सेप्ट था और ल्यूस का भी एक कॉन्सेप्ट था, तो जरूरी नहीं है कि अगर एसिड जो है वो एच पॉजिटिव आयन नहीं दे रहा तो वो एसिड ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि अगर H पॉजिटिव आयन नहीं आ रहा तो वो क्या होगा, एसिड ही होगा। ठीक है, जैसे CO2 भी एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरह से हम एसिड मानते हैं, अमोनिया बेस है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जितने भी एसिड है वो सब H पॉजिटिव दें, जितने भी बेस है वो सारे के सारे OH नेगेटिव दें। ये कब पॉसिबल है, ये कब एसिड और बेस आएंगे, जब वो हम अरहेनियस के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं तो एक ही अगर डेफिनेशन पे स्टिक रहते तो फिर काफी सारे एसिड्स और बेसिस ऐसे थे जो लॉस्ट हो रहे थे। इसीलिए बच्चे थ्री थ्योरीज बनाएगी, एक अरहेनियस थी, एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी थी, एक ल्यूस थी। तो अरहेनियस ने तो ये चीज बोली थी, बट हम उसी पे स्टिक नहीं रहेंगे कि ये अच्छा अगर कोई एसिड जो एच पॉजिटिव आयन नहीं दे रहा तो वो एसिड ही नहीं होगा, कोई बेस ने एच नेगेटिव आयन नहीं दिया तो वो बेस नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। इनको अभी हम ल्यूस के बेस पे भी एक्सप्लेन करने वाले हैं और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बेस पे भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं बच्चे एसिड्स के टाइप। टाइप ऑफ एसिड मतलब क्या होते हैं कि कितने वो प्रोटोन दे रहा है। हमने क्या बोला कि वो एच पॉजिटिव आयन देगा, तो जितने एच पॉजिटिव आयन होते हैं ना उसके बेस पे उसकी बेसिसिटी हम डिफाइन कर देते हैं कि वो मोनो बेसिक है। मोनो बेसिक का मतलब कि वो सिर्फ एक एच पॉजिटिव आयन देगा, जैसे HCl वो सिर्फ 1H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है, तो उसको हमने क्या बोल दिया कि ये मोनो बेसिक नेचर का है। सेकेंड हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, डाई बेसिक। डाया बेसिक मतलब जो दो प्रोटोन देगा, डाई प्रोटिक टू प्रोटोन दे रहा है जो हमें, जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 क्या देगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, 2H पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दिस इज डाई बेसिक और डाई प्रोटिक। अब थर्ड है ट्राई बेसिक, जो तीन एटम ऑफ एच पॉजिटिव देता है, यानी कि H3PO4 हमें क्या देगा, 3H पॉजिटिव प्लस PO4
थ्री नेगेटिव, तो जब थ्री एच पॉजिटिव मिल रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्राई बेसिक या फिर ट्राइपोटिक, ठीक है, ट्राइप्रोटिक नॉट पोटिक, ट्राइप्रोटिक, ठीक है। तो ये चीजें होती है बच्चे मोनो बेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एसिड आ गए। अब हम ऐसे ही अब एरहेनियस थ्योरी के कुछ डिफेक्ट पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमारे एरहेनियस थ्योरी को ही पूछते हैं सबसे कि क्या सबको एरहेनियस थ्योरी क्लियर हुई? यस, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्या एरहेनियस का कॉन्सेप्ट? जस्ट गिव मी अ हैंड, हाई फाइव, फटाफट से हाई फाइव, ओनली सतेंद्र, फटाफट फटाफट। सिक्स ही बच्चों को समझ आई है, बाकी के सो गए हैं? 9, 10, ठीक है। चलो एक पोल रेस करते हैं हम, जनरल पोल, ठीक है। हम लेक्चर को रेट करने वाले हैं कि हमें उसमें कितनी नींद आती है या हमें लेक्चर कितना अच्छा लगता है। ये किसी ने गलत मलत दिया ना, फिर उसको मार भी पड़ेगी, ठीक है। गो फॉर इट, रेट करो लेक्चर को। नींद नींद तो नहीं आने लग जाती तुम्हें? क्या रहेगा इसमें, किसको वोट करोगे? मैम यस को कर सकती हूँ। नहीं देखो मैंने नंबर दिए, नंबर को करो। दो ही वोट्स आई अभी तक, दो ही बच्चे सो रहे, दो ही बच्चे जाग रहे थे। दैट्स ग्रेट, वोट करो फिर। वेरी गुड वेरी गुड, शुक्र है कोई पांच वाला नहीं आया अभी तक। मेरे तो दिल ही टूट जाना था कि हाय हाय इतना गंदा पढ़ा रही हूँ मैं इनको, है ना? ठीक है, दैट्स ग्रेट, जागते रहा करो। वो तुम्हारे लिए शायद वो चौकीदार बीच बीच में लाना पड़ेगा, वो जो बोलता रहता है ना क्लास में भी, बोले वो जागते रहो, आता तुम्हारी गली में ऐसे वाला, रात को जागते रहो, नहीं नो no, हमारे टाइम पे होता था जैसे हम जब छोटे थे ना, छोटे मतलब यही जब हम पढ़ते थे तब वो करते थे हम, ठीक है, तब बनते थे। हाँ गार्ड अंकल वो बोलता रहता था पूरी रात, जागते रहो, एंड वी आर लाइक कि अगर हमें ही जागना है तो भाई तेरा क्या काम है, हम क्यों जागे, है ना? आप गार्ड हो, आप जागो ना, फिर हम क्यों जागे। वो ऐसे बोलते थे, जागते रहो, बस यही बोलते रहते थे कि मतलब तुम्हारे घर में चोरी चोरी ना हो जाए इसके लिए। हाँ प्रॉपरली पहले बहुत आते थे ऐसे चौकीदार गली में, जागते रहो, दैट थिंग। चलो एरहेनियस हम सबको क्लियर है। अब हम बच्चे कुछ डिफेक्ट पढ़ेंगे। एक तो कोई भी थ्योरी बनाता है ना उसमें डिफेक्ट पहले ढूंढ लिए जाते हैं। तो डिफेक्ट क्या थे एरहेनियस थ्योरी के, कि एच पॉजिटिव आयन जो वाटर में था ना वो एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड था ड्यू टू इट्स हाई चार्ज डेंसिटी। यानी कि अगर हम क्या देखते हैं, वाटर में से एच पॉजिटिव आयन रिमूव करते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हाइड्रेटेड होता है, उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। तो सिर्फ वाटर के लिए हमने उसको क्या कर दिया कि ये अगर H3O पॉजिटिव आयन की फॉर्म भी देता है या H5O2 पॉजिटिव आयन बनाता है या इस तरह की भी पॉजिटिव आयन देता है ना तब भी वो एसिड कहलाता है, क्योंकि वाटर में जरूरी नहीं है कि वो हमें एच पॉजिटिव आयन दे, हम उसको H3O पॉजिटिव आयन के केस में भी, H5O2 में भी, H7O3 पॉजिटिव में भी क्या बोलते हैं कि ये सारे जो हैं वो एसिड्स हैं। अब एच पॉजिटिव आयन जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ वाटर मॉलिक्यूल के, और वो क्या बनाते थे, ट्राइगोनल पिरामिडल हाइड्रोनियम आयन्स। तो वो हमें H3O पॉजिटिव ट्राइगोनल बायपिरामिडल आयन देते थे, तो उसको भी इन्होंने क्या बोला, एसिड बोला। एरहेनियस थ्योरी का मेन यही चीज थी ना, जब आपने पहले पढ़ा तो पहले भी मैंने यही बोला कि जरूरी नहीं है अगर कोई चीज जो एच पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन नहीं दे रही तो वो एसिड या बेस नहीं होगी, कि दैट इट विल बी एसिड और बेस, इट कैन बी, ठीक है, अगर ये दोनों आयन नहीं आ रहे। अब जैसे उन्होंने सबसे पहला एग्जाम्पल टू वाटर मॉलिक्यूल का लिया कि टू वाटर मॉलिक्यूल जो है वो H3O पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो अब इसको क्या हम मानेंगे, ये स्टिल एसिड माना जाता है, इसको स्टिल एसिड की कैटेगरी में रखते हैं, बट इसने एच पॉजिटिव आयन तो नहीं दिया, H3O पॉजिटिव आयन दिया ना, तो ये किस तरह से एरहेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड हो गए। यानी कि ये थ्योरी कहाँ फेल हुई, कुछ ऐसे एग्जाम्पल में जहां पे एसिड एच पॉजिटिव नहीं दे रहा था और कुछ ऐसे एग्जाम्पल में जहां पे बेस OH नेगेटिव नहीं दे रहा था,
तो उन केसेस में हमने एरहेनियस थ्योरी को फेलर कंसेप्ट करा कि ये थ्योरी तो गलत कह रही है। कि अब कोई बोल दे कि अगर मैं बोलूं कि बेटा ये चीज कंपलसरी है स्कूल में आने के लिए, जैसे आई कार्ड होते हैं ना, हमारे आई कार्ड हमें स्कूल में लेके जाने होते हैं, कंपलसरी होते हैं, बट कई कई बार हमें अब जब गार्ड भैया जानने लग जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि चल कोई बात नहीं छोड़ो परे, ये चीज ऐसे ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ तुम, ठीक है। तो मतलब वो क्या हो गया कि वो चीज हो गई कि अब वो उसके पास आई कार्ड नहीं था, वो फिर भी आ रहा है स्कूल में, ठीक है। तो ऐसी एरहेनियस का डिफेक्ट आप कहाँ डिफाइन करोगे, आप चाहे ये दोनों पॉइंट छोड़ के सिंगल एक पॉइंट लिख दो कि कुछ एसिड्स ऐसे भी मिले जिसमें एच पॉजिटिव आयन नहीं रिलीज हो रहा था, और कुछ बेसिस ऐसे मिले जिसमें OH नेगेटिव आयन नहीं था, तो उन दोनों के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि एरहेनियस थ्योरी जो थी वहां पे फिर फेलर कंक्लूड कर दी गई कि अब ये जो है यहाँ पे फेलियर है, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हुई, ठीक है। ये सत्येंद्र ने बहुत अच्छी बात करी है कि मैम मॉनिटर बना दो, तो सत्येंद्र हम हर वीक के लिए ना मॉनिटर्स बनाएंगे। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ मॉनिटर, सुन लो सारे बच्चे, मॉनिटर मैं बनाती हूँ, हर वीक के लिए एक बच्चा मॉनिटर रहेगा, उसकी क्या ड्यूटी होने वाली है कि वो सारे बच्चों की शुरू की अटेंडेंस, ठीक है, शुरू में कितने बच्चे आए वो उनके नाम लिखेगा, ठीक है, कि मैम जब आपकी क्लास शुरू हुई थी मान लो 5-10 मिनट के बाद, जैसे 6:00 हुई है तो 6:10 के उसको बच्चों के नाम नोट करने हैं, और फिर उसको नोट करने हैं जब मैं बाय बोलती हूँ उसके बाद जब बच्चे लीव करते हैं 6:10 और 6:50, ठीक है, इसके बीच की अटेंडेंस वो हर बार क्लास में नोट करेगा और वो फिर वो मुझे व्हाट्सएप करेगा, डन है। बताओ फिर बनाएं आज का मॉनिटर, हम ये ड्यूटी रहेगी, कौन कौन ये ड्यूटी निभाने के लिए तैयार है, जस्ट रेज योर हैंड, कौन कौन करेगा ये ड्यूटी। संस्कार है, गणेश और परवीन, अंजलि, मधु, खुशबू, सतेंद्र, सतेंद्र ने तो हैंड ही नहीं रेज किया, वो ये ड्यूटी नहीं करेगा, सतेंद्र ने करा है। चलो ये आइडिया सतेंद्र का था, तो ये इस बार का मौका भी मैंने सतेंद्र को दिया, ठीक है। तो सतेंद्र अभी वाले सारे बच्चों के नेम नोट कर लो और ये मेरे को व्हाट्सएप करने हैं जितने भी अब बच्चे रह गए हैं, तो नेक्स्ट क्लास है मुझे रिमाइंड ना कराना पड़े पूरे 6:10 पे, या जब भी 7 बजे क्लास होती है तो उसके 10 मिनट तुरंत बाद आपको नोट करने हैं, और क्लास के एंड तक कितने बच्चे हैं वो भी नोट करके मेरे को व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो इस बार का हमारा जो मॉनिटर है वो सतेंद्र है, अगली बार का फिर अगली बार चूज करेंगे, ठीक है। तो आज ये हफ्ते की 4 क्लासेस में सतेंद्र ये चीज मेरे को अपडेट करेगा, ठीक है। सतेंद्र डन है? यस मैम। दैट्स ग्रेट। चलो हमें इसमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरहेनियस बेस, इसमें से एरहेनियस बेस कौन सा होगा, H2SO4, NaOH, H3PO4 या ऑल ऑफ दीज। मैं रेज करूं पोल, क्या लगता है पोल लगेगा इसमें, है ना, पोल आ सकता है ना? यस मैम। यस, सो जस्ट गिव, आई एम रेजिंग अ पोल, सारे बच्चे इसका पोल में आंसर करेंगे। यस, गो फॉर इट। वेरी गुड, दो आंसर आए हैं, दोनों ही सही हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। थ्री आंसर्स आर देयर, 4 आंसर हैं टोटल, फटाफट करो। अलग अलग वोट्स कर दी, बी को दी है 3 वोट्स, ए को भी मिल गई 1 वोट, अच्छा 1 वोट मिली है ए को, ऑप्शन नहीं जीत रहा कोई, बी को मिली है 4 वोट, सी को मिली है 1 वोट, डी को मिली है 4 वोट, तो जिता तो दो कोई एक ढंग का बंदा, 4-4 वोट का क्या करें, ए और डी में तो तगड़ा कंपटीशन हो गया,
दे आर वेरी क्लोज. क्लोज भी क्या, वो दोनों एक ही पोल पे खड़े हैं. एक बच्चा वोट करके एटलीस्ट किसी को जिताओ तो सही. देखो बेटा बेस पूछा है, एरहेनियस बेस. एरहेनियस के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है जो OH नेगेटिव आयन देता है. तो इनमें से बच्चे H2SO4 को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो ये 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन देता है, यानी ये मोनो बेसिक था. बट दैट इज नॉट कंसीडर्ड इन द बेस बेस, उसको हम एरहेनियस बेस नहीं बोलेंगे. मोनो बेसिक नेचर का जरूर है. H3PO4 हमें 3H पॉजिटिव और PO4 3 नेगेटिव आयन देता है, बट इट इज गिविंग अस H पॉजिटिव आयन. और NaOH हमें क्या दे रहा है, OH नेगेटिव आयन दे रहा है ना, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन. सो दिस इज ओनली द बेस. तो हमारा बेस क्या रहेगा, NaOH. तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा. इस केस में हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. क्लियर हुआ सबको? यस, इज इट क्लियर? ठीक है, ग्रेट. एक क्वेश्चन और करेंगे हम. विच ऑफ द हाइड्रेटेड स्पीशीज कैन एग्जिस्ट, इनमें से कौन सी हाइड्रेटेड स्पीशीज एग्जिस्ट कर सकती है. यस, अभी अभी हमने यहाँ पे हाइड्रेटेड स्पीशीज पढ़ी थी, वाटर रिलेटेड, तो ऑब्वियसली आंसर भी दिख ही गया हमें. तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो नहीं कर सकती. अब अगर मैं नहीं के लिए पोल रेस कर रही हूं ना, तो वो पोल में आंसर आ सकता है. ठीक है, सो गो फॉर जो नहीं कर सकती. ठीक है, अब इसका आपको नहीं का आंसर देना है सबने, कि जो नहीं कर सकती वो कौन सी होगी. यस, विच ऑफ द हाइड्रेटेड स्पीशीज कैन एक्सिस्ट, कैन नॉट एक्सिस्ट. ठीक है, तो भी वोट्स आइए. क्या बात, बाकी के सो गए, कहाँ चले गए? 3 वोट्स. बेटा नेगेटिव वाली हाइड्रेटेड स्पीशीज नहीं एग्जिस्ट करती, पॉजिटिव वाली कर सकती है. ठीक है, दे ऑल एग्जिस्ट. पॉजिटिव वाली करती है, बट दिस वन विल नॉट एक्सिस्ट. ठीक है, ये एग्जिस्ट हमारी नहीं करेगी. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है ना, आयंस एंड वाटर आर एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड ड्यू टू इट्स हाई चार्ज डेंसिटी. एच पॉजिटिव आयन जो है वो बेटा ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड करते हैं. ठीक है ना, और वो किस तरह की शेप देते हैं हमें, ट्राइगोनल पिरामिडल की. जनरलाइज्ड फॉर्म है ये सारी, किस तरह की होती है, एच ऑफ H2O N पॉजिटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव नहीं आता. सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट. ठीक है, नहीं नहीं एक सेकेंड, ऑप्शन सी भी करेक्ट है क्या हमारा, हाइड्रेटेड स्पीशीज कहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये भी H2 और OH नेगेटिव दे रहा है. इकट्ठा करके देखो, अगर हम H2O और OH नेगेटिव को इकट्ठा करके लिखें, तो ये भी हमारे पास क्या दे रहा है, वही स्पीशीज दे रहा है, H3O2 नेगेटिव. दोनों ही H2O और OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करवा के लिखी गई है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइड्रेटेड स्पीशीज ही होगी, क्योंकि दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल एट ऑल. इसमें हमारे पास चारों की चारों आएंगे. देखो दोबारा समझाती हूँ ये कैसे रहता है. हाइड्रेटेड स्पीशीज कौन सी होती है, कि बच्चे ABD में तो H पॉजिटिव आयन आ रहा है वॉटर में, जो एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड होगा. लेकिन ऑप्शन सी कैसे करेक्ट है, क्योंकि अगर हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं H3O2 को वॉटर के साथ OH नेगेटिव आयन उसमें डाल दो. वॉटर के साथ क्या डाल दो, OH नेगेटिव आयन डाल दो, यू विल गेट H3O2 नेगेटिव. यानी इसमें भी वॉटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रेटेड है, किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ. ये सारी हाइड्रेटेड थी. हाइड्रेटेड क्या होती है, जिसमें वॉटर मॉलिक्यूल हो. ठीक है ना, वॉटर मॉलिक्यूल प्लस H पॉजिटिव आयन था, किस केस में, A, B और D में. और ये भी हाइड्रेटेड है, इसमें बस H2O के साथ OH नेगेटिव आयन था. सो ऑल आर हाइड्रेटेड स्पीशीज. क्लियर ये सबको? यस, इज इट क्लियर? यस मैम. दैट्स ग्रेट. ठीक है, चलो. सो नेक्स्ट हम एरहेनियस बेस क्या था, दैट सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इन वॉटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन. तो ये भी सेम बेटा, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक हो सकते हैं, ये याद रखना है. एरहेनियस बेस में जब आप प्रोटीसिटी लिखते हो ना,
तो वो कितनी होती है, उसको हम मोनो एसिडिक बोलते हैं। बेस वाले केस में उसको मोनो एसिडिक बोलते हैं और एसिड वाले केस में हम उसको मोनो बेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक बोल रहे थे। बात वही रहेगी। लिमिटेशन क्या आएगी एरहेनियस थ्योरीज की? सबसे पहली लिमिटेशन तो बच्चे यही रहेगी कि इट इज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशंस ओनली। हमने क्या बोला कि वो आयंस जो वाटर में डिजोल्व होके क्या दें, एच पॉजिटिव या सी एल नेगेटिव दें, तो वाटर में होना डिजोल्व उनका जरूरी है, ठीक है। और इन्होंने बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस के बारे में नहीं बताया, जैसे अमोनिया जो ओ एच नेगेटिव आयन नहीं देते बट स्टिल अमोनिया इज अ बेस, तो वो चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। याद हम अरहेनियस तक ही करेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई हो अरहेनियस थ्योरी में? यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? यस, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर